ठीक है। आओ सर नहीं पाओ कुछ भी सामने खेड़ा अच्छी सब बोल दे। आप मीडिया बंधु अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ दिन पहले वायरल हुई थी जो हमारे माननीय डीडीसी चेयरमैन जनाब मान सिंह जी, जिन्होंने एक ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, दलित बरादरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये डेमोक्रेटिक हमारा लोकतंत्रीय हक है। अगर हमारी सरकार जो भी पावर में है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनसीपी, पीडीपी की, किसी भी पार्टी की अगर सरकार हो, तो उसके खिलाफ नारेबाजी होती है। और जब ये लोग वोट लेने के लिए जाते हैं, जब जीतने के लिए जाते हैं, तो उनको चाचा, ताया, चाची, यहाँ तक के बहनोई भी बना लेते हैं। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं, बन जाते हैं, तो फिर उनको 2 कौड़ी का उनकी खसलत पर, उनकी औकातें गिनते हैं, उनकी जात पर ये तानाकशी करते हैं। इस तरह का व्यवहार एक रिटायर्ड कर्नल, मैं तो कहता फौज में तो जातिवाद का नाम ही नहीं होता। मुझे लगता है कि इनका कर्नल का ओहदा भी शायद कोई जाली हो सकता है। और यहाँ जो ये जो एक जिम्मेवार जो पोस्ट दी गई इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें हर बरादरी के ये चेयरमैन हैं, लेकिन इस तरह का बयानबाजी, किसी को गाली गलौज करना, ये बिल्कुल इंसानियत के, सियासत के बिल्कुल विरुद्ध है। लीडर वो है जो पब्लिक की सेवा में, पब्लिक की इज्जत मान, उसका स्वाभिमान का ध्यान रखे। डिमांड लोगों ने करनी है, किसी को तकलीफ हो सकती है, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना, अगर पावर है चेयरमैन के खिलाफ भी बोलना है। और जो धमकी भरा मैंने उसका वीडियो ऑडियो देखा कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन थे, और एक कोई मेघ बरादरी का सर उसके पीछे हो गए। ये इस तरह का जो विचार उन्होंने प्रकट किए, बहुत निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। और बीजेपी सरकार का ये चेहरा जो ऐसे नेताओं के माध्यम से बाहर आता है, क्योंकि अंदर से जो लोग भी बोलते हैं उनकी मानसिकता जो है वो इसी तरह है, जैसे कर्नल मान सिंह जी ने ये अपना बयान दिया, ये अंदर अंदर से इन्हीं लोगों के बयान है। ये जब भी मीटिंग होती है, अभी पीछे जो सेल में हमारे दलित बरादरी को लोग बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, उनकी यही दिशा है। वो सिर्फ हमारे लोगों को आके गुमराह कर सकते हैं कि हम बड़े पार्टी में बैठे हुए हैं, लोगों को ये सिर्फ उनकी हालत जो है, ये लोग उनके आगे पीछे घूमने और कुर्सियां लगाने, मटाट बसाने के बिना और कोई काम नहीं इनके पास। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बरादरी पर लोग तनक कसते हैं और ये लोग वहां जाकर के इनके नारेबाजी लगाते हैं, जिंदाबाद के लगाते हैं। उन्होंने मुर्दाबाद लगाए क्योंकि उनके काम नहीं हुए, उनको तकलीफ थी। इस तरह का बेहोदा जो बयानबाजी है, ये बीजेपी सरकार की तानाशाही दर्शाती है। और इनकी मानसिकता जो है, बीजेपी सरकार की मानसिकता जो है वो दर्शाती है। हमारी मोदी सरकार जी से यहाँ के जो अहलकार हैं, यहाँ के जो जिम्मेवार हमारे मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ जितेंद्र सिंह जी, उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। वहाँ बहुत सारे नौजवान जो हैं वो डीडीसी मेंबर बने हैं, उनको मौका दें। ये बेचारा इतनी दूर से उठा करके यहाँ, जिसको फौज में भी वैसे ही रहा, अब वहाँ से उठा करके इसको चेयरमैन बना दिया। ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ बहुत बेइंसाफी है, और ख़ासकर दलित वर्ग के लोगों के लिए, कि अगर इस तरह ये जातिवाद पर प्रताड़ित करते रहेंगे हमारे लोगों को, तो ये निंदनीय है और हम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सिरे से ऐसे बयानों को नकारती है, और हम अपने दलित
या जितने भी गरीब सर्व समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सबसे अपील करेंगे कि ऐसे आदमियों को बर्खास्त करने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जाए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि ऐसे आदमी को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये तरह तरह की बयानबाजी करते हैं और फिर बाद में अभी मुझे जी खेद है, ये साजिश रची गई। अरे भाई, बोल आप रहे हैं, किसी वर्कर के साथ बात आप कर रहे हैं, साजिश कौन रच रहा? साजिश तो आप रचते हैं, जो इस तरह का किसी जाति बात पर कोई भक्त बरादरी का है, कोई उनकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई है, तो हम ये नहीं कहते कि माफ़ी मांगे, हम बीजेपी को सीधा चैलेंज करते हैं कि इस आदमी को अगर बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि पहले भी हम चुपचाप ये तमाशा देखते हैं कि चलो यार आज नहीं कल सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं, क्योंकि इनकी जो उस इलाके की जहाँ के ये रहने वाले वहाँ की लोगों की सोच, लोगों के प्रति इसी तरह का दुर्व्यवहार जो उन लोगों के साथ करते हैं, ये सामने आया है। इसलिए बीजेपी सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस आदमी को फौरी तौर बर्खास्त करके लोगों के मन में जो उनको ठेस पहुंची है उस पर मरहम का काम। कल की एक वीडियो वायरल हो रही है, हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं कर्नल मान सिंह जी, उन्होंने कहीं डेपुटेशन, कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड के लिए, तो उन्होंने कहा कि स्टैंड कर रहा है, लोगों के मसले हल कर रहा है, तो इस पार्टी को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी में ऐसा अक्सर बोला जाता है, ये मेघ है, ये माछ है, ये चमार है। हमारे कठुआ में भी ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब इलेक्शन आता है तो ये बोलते हैं कि सर्व समाज, सबका साथ सबका विकास, इलेक्शन के टाइम सब हिंदू, सब भाई भाई, लेकिन इलेक्शन हो उसके बाद कोई नहीं पूछता, तब सब अपनी अपनी जगह पे देखते हैं जी कि जी शेड्यूल कास्ट है, जी मुस्लिम है, जी सिख है, जी ईसाई है। इसलिए हमने जो कल को आईडियो वीडियो देखी थी, उसमें हमने प्रोटेस्ट करना है, अगर इस पर कोई बीजेपी हाईकमान ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हम आज का दिन देखेंगे, क्योंकि मान सिंह ने मीडिया में माफ़ी मांगी है, लेकिन हमने कल भी बोला था अपनी बरादरी में कि हम बरादरी की मीटिंग बुलाएंगे डिस्ट्रिक्ट की, वहां आकर मान सिंह माफ़ी मांगेगा। अगर बरादरी की तरफ से कहीं किसी भी बरादरी को ऐसी कोई शब्द बोला हो तो उसके लिए हम गुनाहगार हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने ही बीजेपी में जो लोग बैठे हैं, मोर्चों में बैठे हैं, वो ऐसे चुप करके बैठे हैं कि वैसे उनके ही वो पालतू हैं। भाई आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबको देखो ना, एक अगर पार्टी एक है, बरादरियां तो अलग अलग है ना, किसी को ऐसे टॉर्चर तो मत करो ना। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं बीजेपी हाईकमान से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका जल्दी से जल्दी इस्तीफा लिया जाए।